मिला। ये छठ के समय ही जो यहाँ के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि इस नदी के पास ही ऊपर में ही उन लोगों को दिख गया, और उसके बाद जो इसकी खबर आई है और ये समाचार आप लोगों ने इसको प्रकाशित भी किया, अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव स्थित चांदन नदी तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेषों का अवलोकन करने शनिवार के दिन हेलीकॉप्टर के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भदरिया गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ खनन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चांदन नदी तट पर मिले अवशेषों का बारीकी से अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से भदरिया गांव के चांदन नदी तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेषों के संबंध में जानकारी मिली थी। बाद में अमरपुर के विधायक जयंत राज कुशवाहा ने फोन के द्वारा उन्हें विस्तार से जानकारी दिया। जानकारी मिलने पर पटना पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। यह ऐतिहासिक भूमि पता चल गया, फिर यहाँ के माननीय विधायक ने भी हमको फोन करके कहा, हमने कहा ये तो ऐतिहासिक जगह और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसके लिए तत्काल यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनको भेजा जाएगा। सब लोग आए श्री विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में, और उन लोगों ने जो पूरी बात को यहाँ देखा उसका थोड़ा जो प्रारंभिक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो इसके बारे में जो जानकारी मुझको दी, मुझे इतनी खुशी हुई कि तो भाई ऐतिहासिक भूमि है और ये तो साबित हो गया, इसलिए अब इसको आगे भी और ज़्यादा यहीं पर इसको ठीक ढंग से और देखना होगा और सारी बातों की जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ के इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं, और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और इसका जो पौराणिक इतिहास है और इस बात को जान लीजिए, अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के विभिन्न कोने में क्या मतलब पौराणिक चीज़ें हैं और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो ये देख करके इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि भले ही लोग बिहार की आज उपेक्षा कर रहा हो, लेकिन ये बिहार के विभिन्न हिस्सों में क्या था और सब कुछ था। तो देख करके जैसे ही ये बात हुई तो मेरे मन में था कि हम जा करके भी देखेंगे। पुरातत्व विभाग के द्वारा जानकारी मिली कि चांदन नदी में मिले अवशेष 2600 वर्ष पुराने अवशेष हैं। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों के द्वारा भदरिया गांव में भगवान बुद्ध का ठहरने का भी जिक्र किया गया है। आज बिहार वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बिहार में कई जगह पुराने अवशेष मिलती रहती है। और मैंने सब लोगों से बातचीत भी कर ली है, और इसके लिए जो नदी का धार वहाँ से है उसके बारे में यह भी बात हुआ कि 95 के पहले जो पुराना धार था उसी को फिर से निर्मित किया जाए, ताकि ये इलाका अगर और ज़्यादा इसको अनुसंधान करने के लिए और अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसको करने के लिए, और फिर जो गांव तक का इलाका है सब पर नज़र रख के कुछ न कुछ किया जाएगा। तो ये बहुत ही सब चीज़ों की जानकारी होगी, और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह के स्थल में फिर तो पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, बहुत अच्छी जगह होगी। और मुझे खुशी है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं इस काम को कर रहे हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, और जितने लोग हम सब लोगों को कहेंगे, जितने भी हमारे जो भी राजनीतिक साथी सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और जो लोगों के पुरानी बात जो है उसको और उजागर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि चांदन नदी का पानी की धार को पूर्व की ओर मोड़ा जाएगा ताकि नदी की खुदाई कराया जा सके। उन्होंने बताया कि भविष्य में यह क्षेत्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी माननीय मंत्री जी भी आए हुए, विजय कुमार चौधरी जी जो पहले देख रहे थे 10 से 15 तक के बीच में, पुनः ये देख रहे हैं, इसलिए ये भी आ गए हैं और देख लेंगे, और सब जगह वहाँ कर का भी जो काम है चांदन डैम का वो तो होगा ही। लेकिन जो आप लोगों ने कहा ना कि आर्कियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर जहाँ कहीं भी खुदाई की बात होगी वो होगी, और इसलिए हमने कहा कि जो नदी है ना का धार जो इधर है इसको अगर दूसरे तरफ जो पुराना सबसे ओरिजिनल धार है उसमें अगर डाइवर्ट किया जा सके तो फिर यहाँ पर उसकी खुदाई का अवसर बेहतर होगा। इस अवसर पर अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जनार्दन मांझी,
पूर्व मंत्री सहबाका विधायक राम नारायण मंडल, बेलहर विधायक मनोज यादव, अमरपुर के वर्तमान विधायक जयंत राज कुशवाहा, सुल्तानगंज के विधायक ललित मंडल, जदयू के जिला महासचिव सह प्रवक्ता मनीष कुमार झा, प्रखंड अध्यक्ष विमल कुमार समेत बांका एवं भागलपुर जिला के वरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे। अपना मुंगेर के लिए बांका से संजीव कुमार सुमन की रिपोर्ट। जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ, पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।